कि छोटू ने किया मोहब्बत, कि छोटू ने किया मोहब्बत, कि छोटू ने किया मोहब्बत आरती से इतना कि तो उनके खातिर उनके प्रेम सच्चा प्यार के ऊपर हम दो स्क्रिप्ट लिखनी है, दो लाइन जो कि बहुत ही प्यारा बा। ये जान लीजिए दर्शकों, अब आपको ये गाना सुनाने वाले हैं छोटू और आरती की प्रेम कहानी पर, अमर प्रेम कहानी पर, क्योंकि इनकी जो है कहानी है प्रेम की, ये अमर हो चुकी है दर्शकों, पूरा देश जान चुका है और ये यहाँ तक की नौबत आ चुकी है कि दर्शकों आरती जो है छोटू की जो प्रेमिका है वो खाना पानी तक छोड़ दी है। उसका कहना है कि जब तक छोटू के हत्यारों को सजा नहीं मिलता तब तक वो खाना पानी नहीं करेगी, खाना एक अन्न भी अपने पेट में नहीं लेगी, लेकिन घर वाले जो है छोटू के उसको खाना खिला रहे हैं, ज़बरदस्ती कह रहे खाओ खाओ। और ये जान लो दर्शकों इस वक्त आरती छोटू के ही घर पर मौजूद है, बिन ब्याही लड़की फिर भी वहाँ पर है और बिन ब्याही विधवा रहे बनकर रहना चाहती है आरती, और इस वक्त छोटू के ही घर पर मौजूद है और बिहार में ही मैं भी हूँ। दर्शकों सुना दीजिए वो गाना प्रेम कहानी की, अमर प्रेम कहानी की छोटू और आरती पर। बहुत ही प्यारा गाना बा जो कि हम लिखनी है, बैठल बैठल लिखनी है, जो कि हमके पता भी ना रहा अपने मन से, आज पहली बार अपने मन से हम दो लाइन लिखनी प्रेम कथा पर। जो कि ये वीडियो देख के, ये कहानी देख के बड़ा इमोशनल हम भी हो गए नहीं, और काफ़ी हम ही ना कहीं पूरा वर्ल्ड बा, पूरा अपने भारत, पूरा यूपी पर, यूपी और बिहार में जितना भी इधर घटना के सुन लो सब इमोशनल बा। तो उनके उनके सच्चे प्यार पे हम दो लाइन सुनाओ चाहते हैं आप सबके बीच में। गाना कुछ ऐसे बा कि छोटू ने किया मोहब्बत, कि छोटू ने किया मोहब्बत, कि छोटू ने किया मोहब्बत आरती से इतना, कि छोटू ने किया मोहब्बत आरती से इतना, ये मोहब्बत बन गई मौत का खीसा, ये मोहब्बत बन गई मौत का खीसा, कि छोटू ने किया मोहब्बत आरती से इतना, ये मोहब्बत बन गई मौत का खीसा, ये मोहब्बत बन गई मौत का खीसा। आगे कुछ लाइन ऐसे है कि कुछ दरिंदों ने इस मोहब्बत को अपनाया ही नहीं, कि कुछ दरिंदों ने इस मोहब्बत को अपनाया ही नहीं, अपना लिया होता ये चिराग न बुझता, कि अपना लिया होता ये चिराग न बुझता। तो सोच सकते हैं दर्शकों जिस तरह से अपने तानों से इन्होंने गाया ये गाना, ये सैड कहानी छोटू और आरती के प्रेम कहानी का, दर्शकों अगर आपके अंदर मानवता होगा ना तो आपकी आंखों में आंसू आ गया होगा। सोच सकते हैं दर्शकों आज भी हमारा हिंदुस्तान नहीं बदला, आज भी हमारे हिंदुस्तान में ये सिस्टम चला रहा है कि मतलब कोई मोहब्बत करता है तो उसको इस तरह का सज़ा मिलता है दर्शकों, और इसी वजह से दर्शकों लोग मोहब्बत नहीं करना चाहते दर्शकों। नमस्कार।